नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रितिका। आप सबका हमारे लाइव ओपीडी प्रोग्राम में बहुत स्वागत है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उन जिनको जो जो प्रॉब्लम्स आ रही है, हम उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के एक प्रयास करें। हम डे बाय डे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डॉक्टर्स से बात कर रहे हैं और आप लोगों की जो क्वेरीज रहती हैं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम उस इशू को रेस करें, हम अपने डॉक्टर से जो है आपके जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सबका सवाल पाएं। तो फिलहाल आज हमारे साथ डॉक्टर अब्दुल गनी मौजूद हैं जो कि किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, खुद ही में एक सीनियर डॉक्टर भी माने जाते हैं और फिलहाल ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स हैं। तो जितने भी दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, मैं चाहती हूँ आप लोग अपने प्रॉब्लम्स जो हैं, जो भी आपको क्वेश्चन पूछने हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम लोग आपकी हेल्प जरूर कर पाए। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। थैंक यू रुचिका, थैंक यू वेरी मच इस ये कोविड अपॉर्चुनिटी के लिए। नाइनटीन थैंक यू सो मच सर, ये कोविड-19 का पैंडेमिक चल रहा है एंड आप लोग जानते ही हैं कि कोविड-19 में बहुत सारे डूज एंड डोंट्स रहते हैं। कुछ लोग घर बैठे बैठे इस समय नहीं जान पाते हैं कि एक्चुअल में हम लोग क्या करें और क्या ना करें। तो आपको पता ही है कि रूटीन चेकअप्स बंद है, रूटीन सर्जरीज बंद है, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो आपके लिए अवेलेबल ही हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू करना चाहती हूँ कि इस कोविड-19 पैंडेमिक में आप 24/7 हम लोगों को सर्व कर रहे हैं, हमारा ध्यान रख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि अब आपको पता ही है कि रूटीन सर्जरीज बंद है, लोग रेगुलर वे में नहीं जा पा रहे हैं डॉक्टर्स के पास कंसर्न करने। तो मेनली इस टाइम पे कोविड-19 के समय में जो लोग कुछ हैंडीकैप्ड रहते हैं, उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स रहते हैं, उनके लिए क्या डूज एंड डोंट्स रहेंगे इस कोविड-19 पैंडेमिक के ड्यूरिंग? पहले तो मैं बताना चाहूंगा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जहां मस्त नहीं है, जरूरी नहीं है, वो अस्पतालों का रुख ना करें। उसके दो फायदे हैं। एक तो आप अपना आपको बचाव करोगे, अपनी इन्फेक्शन अननेसेसरी कहीं बाहर से नहीं लाओगे, अपनी फैमिली का बचाव करोगे। दूसरा, हॉस्पिटल पे अननेसेसरी बर्डन नहीं करोगे। कोविड-19 के पेशेंट की मैनेजमेंट टॉप प्रायोरिटी है। उसका मतलब ये नहीं, साइमरजेंसी जहाँ इमरजेंसी नॉन कोविड रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको भी देख रहे हैं हम, बट उसमें बताना चाहूंगा खासकर ऑर्थोपेडिक और बोन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, बिकॉज फॉर्चुनेटली मेजोरिटी ऑफ ये प्रॉब्लम कोई जानलेवा नहीं होती, थोड़ा बहुत डिले होने से कोई नुकसान नहीं होता। जैसे किसी को कमर दर्द है, छोटा मोटा जोड़ों में दर्द है, पहले से आर्थराइटिस है, थोड़ा सा फ्लेयर अप हो जाता है, ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस वक्त वो पहले मेडिकेशन लेके भी काम चला सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता उनको लगे कि उनको प्रॉब्लम है, उनका जेन्युइन कंसर्न है जो उनको एड्रेस नहीं हो रहा प्रॉपरली, तो वो टेलीफोनिक कंसल्टेशन हमको करें। हमारे नंबर सारे पब्लिकली डिस्प्ले हैं हर जगह, काफी डॉक्टर्स के जो हैं वो क्वेरी ऑनलाइन, व्हाट्सएप, वीडियो कॉलिंग, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। लेकिन जहां इमरजेंसी है, फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा दर्द है, किसी को 24/7 दर्द है, रात में दर्द है, दर्द के साथ बुखार है, खासकर कमर दर्द है, तो कमर दर्द के साथ अगर टांगे चलनी बंद हो रही हैं, टांगों में कमजोरी आ रही है, उस सूरत में घर ना बैठे, उस सूरत में आपने हॉस्पिटल आना है। वो एक इमरजेंसी बन जाती है। खुदा ना खास्ता कभी कभी कमर दर्द जैसे डिस्क की प्रॉब्लम होती है, उसके साथ पेशाब रुक जाता है, तो वो एक इमरजेंसी बन जाती है, उसमें देखना है। दूसरा, ऑर्थोपेडिक एंड बोन एंड जॉइंट प्रॉब्लम आपको देखा है आपने, एक्सीडेंट्स या फ्रैक्चर, फॉल हो गया किसी को, तो फ्रैक्चर हो गया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने घर में बैठना है, उसमें हॉस्पिटल आना है। प्रिकॉशन लेके एसओपी फॉलो करने हैं, आपने मास्क, एक के डबल मास्क लगाए प्रॉपरली, आपके साथ लिमिटेड अटेंडेंट आए जितना जरूरत है, बहुत ज्यादा रश फिर भी ना करें, क्योंकि उसके दो रीजन जैसे मैंने बताया, एक तो हॉस्पिटल में रश कम करोगे, दूसरा सेफ्टी अपने में इंश्योर करोगे। और इमरजेंसी सिचुएशन में एक्सरे होगा, जहां मस्त जो ट्रीटमेंट है, जो प्रायोरिटी है, जो वेट नहीं कर सकते उसका ऑपरेट भी कर रहे हैं। इवन खुदा ना खास्ता कभी कभी किसी को कोविड हो और उसमें भी बड़ी ज्यादा इमरजेंसी हो जो कि वेट करने से उसको नुकसान होगा, उसमें ऑपरेट कर सकते हैं। जी रितिका, ये बातें सुनकर आप लोगों को, हमारे दर्शकों को पता चल गया होगा कि इस समय बेशक वहां पर रूटीन सर्जरी बंद है,
जिनको काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी है, कुछ इमरजेंसी केसेस आ रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट वहाँ पर एज यूजल चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगी हमारे दर्शकों को, जो आपकी कुछ प्रॉब्लम्स है, आपको कुछ पूछना है हमारे डॉक्टर से, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपका सवाल जो है वो ज़रूर लेंगे। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे कि COVID-19 इस समय चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन जो है वो लगा रहे हैं, लेकिन वैक्सीन जी लगाने के बाद उन लोगों में कुछ साइड इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं उन लोगों को, कि कुछ लोगों को बुखार हो रहा है, कुछ लोगों को जो है बॉडी पेन्स हो रही हैं। तो ऐसे में वैक्सीन लेने के बाद क्या चीजें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए? पहली बात तो मैं ये कहूंगा, वैक्सीन बाय एंड लार्ज सेफ वैक्सीन है, और वैक्सीन कोई भी COVID-19 हो या उसके पहले भी, जैसे वैक्सीन हम सारे लोग आते हैं, चाहे पोलियो की हो या कोई भी वैक्सीन हो, कहीं ना कहीं छोटा मोटा जो बॉडी एक्स, जैसे जिस्म में दर्द, फीवर, सिर दर्द, कभी कभी उल्टी, ये एक दो दिन सिम्टम जो है ये नॉर्मल है। तो ये, लेकिन ये सिम्टम ऐसे हैं कि जानलेवा नहीं है। यहाँ हमने देखना है रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो। इसके रिस्क जो ये साइड इफेक्ट आपने बताया ये बड़े कम है और 2-4 दिन में अपने आप सेटल हो जाते हैं, या ज्यादा से ज्यादा पैरास्टामोल की टेबलेट ले, खाना पीना ठीक रखें, हाइड्रेशन क्या ये अपनी, सिम्टम्स पानी, आना जरूरी है? जरूरी नहीं कि सब में है सिम्टम आएंगे, बड़े कम लोगों में आते हैं, और ये जरूरी भी नहीं कि सिम्टम आने चाहिए, और ये हर बंदा डिफरेंट रिएक्ट करता है, कुछ में बिल्कुल सिम्टम नहीं आते, कुछ में 1-2 दिन सिम्टम आते हैं, बल लेकिन कुछ सिम्टम लोगों का का ये भी रिस्क। मानना है कि अगर हमें फीवर हो रहा है, हमें कुछ साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं, तो हमारी वैक्सीन जो है हमारी बॉडी पे असर कर रही है। अगर हमें फीवर नहीं आ रहा है, हमें वॉमिटिंग जैसा फील नहीं हो रहा है, हमें नौशिया फील नहीं हो रहा है, सो दैट मीन्स हमारी बॉडी पे जो है वो कोविड वैक्सीन जो हमने लगवाई है वो इफेक्ट नहीं कर रही है, क्या ये सही है? ये फैक्ट नहीं है, ये मिथ है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको कोई रिएक्शन, या फॉर दैट मैटर स्मॉल रिएक्शन टाइप जिसको कहते हैं, वो नहीं हुआ, बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आई, फीवर या बॉडी एक या वॉमिटिंग, तो इसका मतलब वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है। कुछ लोगों में रिएक्ट करती है, कुछ में नहीं करती। जिनमें नहीं रिएक्ट करती, दैट डज नॉट मीन कि उनमें वैक्सीन वर्किंग नहीं। जी तो कुछ लोगों में ये चीज़ रहती है कि क्या हम वैक्सीन लगाने के बाद रेस्ट करें, अगर रेस्ट करें कितना टाइम प्रॉपर रेस्ट ले, क्या डाइट रखें, वो चीज़ लोगों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी देखी जाती हैं। आई थिंक वो ये इंपॉर्टेंट सवाल किया, 1-2 दिन बेटर है कि रेस्ट करें, ज्यादा एग्जर्शन अवॉइड करें। हाइड्रेशन, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जितना मैक्सिमम जो लिक्विड है, पानी हो गया, अदरवाइज लिक्विड है, जूस है, चाय है, वो ज्यादा मकदार में पिए। डाइट एडिक्वेट, बैलेंस डाइट, नॉर्मल, कोई स्पेशल पर्टिकुलर डाइट की जरूरत नहीं है, बट दैट डज नॉट मीन कि वो डाइट को इग्नोर करें। डाइट जरूर लें प्रॉपर, बड़ा ज्यादा एग्जर्ट नहीं करें, उन दिनों में कोई एक्सरसाइज वॉक एक्स्ट्रा ना करें, आपने रेस्ट करना है 1-2 दिन ज्यादा से ज्यादा, और मोर और लेस एवरीबॉडी इज ओके। मेजॉरिटी, मैंने ऑलमोस्ट 99% लोगों को हार्डली कोई मेजर सिम्टम्स हो रहे हैं। जी कुछ लोग वैक्सीन लेने में काफ़ी ज़्यादा अभी इस समय सोच रहे हैं क्या हम वैक्सीन लें या नहीं लें, क्योंकि आपको पता ही है कि इस समय जो है कोविशील्ड मैक्सिमम लोग ले रहे हैं, लेकिन कोवैक्सीन जो है अभी तक WHO द्वारा अप्रूव नहीं की गई है, इसलिए लोग जो है शील्ड ही ले रहे हैं, कोवैक्सीन जो है वो लेने में काफ़ी ज़्यादा परहेज कर रहे हैं। ये अप्रोच अच्छी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। आज की तारीख में हमारे पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है। आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना को लाइटली लेने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। कोरोना एक सीरियस बीमारी है, और किसको कब रिएक्ट करेगी, हालांकि फॉर्चुनेटली 80-90% पेशेंट बड़े माइल्ड सिम्टम हो के, कुछ को तो सिम्टम भी नहीं होते, वो निकल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली 5-10% पेशेंट खराब हो रहे हैं, खराब इन द सेंस दैट रिएक्ट ज्यादा कर रहे हैं, और उसमें से फर्दर कौन सा केस फर्दर डिटोरिएट करेगा, वेंटिलेटर तक जाएगा, और अनफॉर्चुनेटली डेथ तक भी हो जाएगा। और ये मैं बताना चाहूंगा बड़ा क्लियरली, इवन इन द बेस्ट ऑफ द सेंटर्स वर्ल्ड में, या इंडिया में फॉर दैट मैटर, और बेस्ट ऑफ रिसोर्स होने के बावजूद, जिनके पास पैसा भी था, फैसिलिटी भी थी, बेस्ट पॉसिबल हॉस्पिटल थे, उनमें से डॉक्टर्स भी काफी हैं, अनफॉर्चुनेटली उनको अपनी जान खोनी पड़ी है। रीजन उसका यह है कि कोरोना किसको कैसे बिहेव करेगा, नोबडी नोज। इसलिए आज की तारीख में एक ही इलाज है इसका, क्योंकि हम सब पता है, हम सब जानते हैं कि इसका परमानेंट इलाज नहीं है अभी तक की, और वैसा नहीं है, और इसका इसलिए एक ही इलाज बनता है, वो इसका रोकथाम। और रोकने के तरीके, जैसे SOP सब दुनिया को पता है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हाथ की सफाई, और अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे बड़ा वेपन, बड़े शील्ड, बड़ा प्रोटेक्शन आज की तारीख में वैक्सीन है। जो चाहे कोविशील्ड हो, चाहे कोवैक्सीन हो, जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वो लगवाएं। इंडियन गवर्नमेंट ने प्रॉपर उसको ट्रायल करके, स्टैंडर्डाइज करके, रेगुलेटिंग अथॉरिटीज है, उन्होंने सेफ्टी असेस करके ही इसको परमिशन दी है।
तो ये बिल्कुल भूल जाएं कि ये सेफ्टी के बगैर मार्केट में डायरेक्टली लोगों को लग रहा है, ये गलत है और इसको दिमाग से निकालना। जी लोग रशिया की वैक्सीन अब स्पुतनिक जो है वो इंडिया में भी अप्रूव हो रही है, लोग उसका भी वेट कर रहे हैं। क्या हमें उसका वेट करना चाहिए या अभी फिलहाल जो वैक्सीन अवेलेबल है हमें एज अ शील्ड उसे ले लेना चाहिए? हमें वेट नहीं करना चाहिए, जो भी वैक्सीन अवेलेबल है गवर्नमेंट के थ्रू वो हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। रीजन उसका ये है, खुदा ना खास्ता आप वेट इस चक्कर में कर रहे हो कि आपको बेस्ट पॉसिबल परहैप्स वैक्सीन मिलेगा, चाहे वो रशियन है चाहे कोई दूसरा इम्पोर्टेड वैक्सीन है, तब तक खुदा ना खास्ता को कोरोना हो गया और उसने आपको जान को भी अच्छा खासा खतरा है और रियलिस्टिकली खतरा है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक मिथ है, आपको सबको पता है, डेटा आ रहा है, रोज न्यूज सुन रहे हो आप, सोशल मीडिया के थ्रू आ रहा है। तो खुदा ना खास्ता बीच में अगर कोरोना हो गया तो दैट मीन द रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो आपने खुद एनालाइज करना है। जी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद हम लोग ज्यादा बीमार हो जाएंगे, वैक्सीन लगाने के बाद भी हम पॉजिटिव आ रहे हैं, तो हम वैक्सीन क्यों लगाएं? कुछ लोग जो हैं ये सवाल लगातार उठा रहे हैं। उसका जवाब डेटा से है, एविडेंस से है, बिकॉज लोग बातें करेंगे, हर एक बंदे का अपना ओपिनियन। अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी अथॉरिटी या कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप गवर्नमेंट आप लोगों का ओपिनियन, लोगों को राइट है इस चीज का, बट हैविंग सेड दैट आपने डेटा देखना है। जैसे आपने 2 हफ्ते पहले जो डेटा गवर्नमेंट डेटा आया था JNK का, यूटी का, उसमें 100% टेस्ट में 93% टेस्ट ऐसी थी जिनको एक डोज भी वैक्सीन की नहीं लगी थी, वेरस 7% डेथ्स वो हुई थी जिनको एक ही डोज लगी हुई थी, कोई भी डेथ फॉर्चुनेटली नहीं हुई जिनको डबल डोज लगी हुई थी। सो दैट इज द मतलब बेसिकली ये आपके सवाल का जवाब है कि एविडेंस ये कह रहा है कि इसमें सेफ्टी बेटर है। साइमेंटली गवर्नमेंट या कोई भी वैक्सीन अथॉरिटी मेकर ये भी नहीं प्रोक्लेम कर रहे या क्लेम कर रहे कि 100% सेफ्टी है, 100% कोई कोई माइल्ड साइड इफेक्ट भी नहीं है, ये 100% प्रोटेक्ट कर देगी लोगों को। उन्होंने सबने कहा है, किसी ने 70% कहा है, किसी ने 80% कहा है, डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीन की प्रोटेक्शन लेवल डिफरेंट है, और लेकिन मेजोरिटी लोगों को बेनिफिट हो रहा है, मेजोरिटी लोग बच रहे हैं, इसलिए वैक्सीन लेना जरूरी है। जी COVID-19 चल रहा है इस समय, ऐसे में कहा जाता है हमें लोगों से डिस्टेंसिंग रखनी है, हमें मास्क पहनना जी है, तो इसमें पर्सनल हाइजीन जो है वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने अपने आप को एकदम हाइजीनिक वे में रखना है, अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरा रखना है? क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि अब COVID-19 के बाद जो है जो लोग रिकवर हो रहे हैं या जो लोग रिकवर हो चुके हैं उनमें फंगस की प्रॉब्लम देखी जा रही है जो कि काफी ज्यादा हाइजीनिक ना रहने की वजह से हो रही है, तो कितना इम्पोर्टेंट है इस समय हमें अपने हाइजीन का ख्याल रखना? वेल हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन दोबारा पूछा आपने। हाइजीन एज जनरल इवन ड्यूरिंग नॉन कोविड और स्पेशली ड्यूरिंग कोविड बहुत जरूरी है, और यहाँ मैं स्पेशली जो सुनने वाले उनको ये बताना चाहूंगा मास्क के बारे में। खासकर मास्क इनवेरेबली देखा है कि काफी देर मास्क यूज होता है और वो फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा था, मास्क काफी गंदे शेप में होता है तब भी यूज हो रहा, वो गलत है। मास्क का फ्रिक्वेंट चेंज करना, अगर कपड़े का मास्क है तो उसको फ्रिक्वेंटली धोना, डेली धोना, और जो अदरवाइज मास्क है, जो सर्जिकल मास्क है या फॉर दैट मैटर N95 है, उसका फ्रिक्वेंटली चेंज करना मस्ट है। अदरवाइज भी अपनी जनरल हाइजीन, अपने कपड़े चेंज करना रेगुलरली, फॉर दैट मैटर डेली पाथ, अदरवाइज जितने भी मस्ट है, अपने हाथ साफ करें, बड़े फ्रिक्वेंटली साफ करें, इट एब्सोल्युटली जरूरी है आज की तरह। जी जी, जैसे आप ऑर्थोपेडिक हैं, इस समय मैं एक जेन्युइन सा क्वेश्चन उठाना चाहूंगी कि इस समय ओल्ड एज में जो देखा जाता है लोगों को मेनली जॉइंट्स की प्रॉब्लम रहती है, पेन्स रहती हैं, बैक पेन्स रहती हैं, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा ये चीजें यूथ में भी देखी जा रही हैं, तो ऊपर से COVID-19 पैंडेमिक है, इम्यूनिटी हमें स्ट्रांग करनी है, तो डेली बेसिस पे हम अपनी रूटीन में क्या कुछ ऐड रखें, क्या हम अपनी डेली रूटीन रखें कि अब यूथ जो इस समय पेन्स में इंडल्ज हो रहा है, बैक पेन्स हो रही है, लेग पेन्स हो रही है, तो वो चीजें कम हो जाए? वेल अगेन यूथ में इवन ड्यूरिंग नॉन कोविड सिचुएशन भी, बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल ग्रॉसरी चेंज हुआ है, हमारी सिटिंग ज्यादा हो गई है, इंडोर ज्यादा रहते हैं, आउटडोर एक्टिविटी बड़ी लिमिटेड हो गई है, एक तो हमारा ऑफिस वर्किंग स्टाइल ही ऐसा है, दूसरी बात अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दिस गेजर्स, मोबाइल फोन, अदर टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया,
मेजोरिटी पीपल जो है लॉकडाउन रहते हैं और अनफॉर्चुनेटली बाहर की आउटडोर एक्टिविटीज कम होती है। ऑब्वियसली आज की तारीख में फैसिलिटी ज्यादा है, गाड़ियों का सफर है कंपेयर टू पैदल, लोग नहीं चलते। गांव की लाइफ जो पहले हार्ड लाइफ थी वो खत्म हो गई है। ज्यादातर शहरी तरीका मोर ऑफ ए जो बैठने का सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, उसमें वजन भी बढ़ रहा है, उसमें मसल कमजोर हो रहे हैं, तो जितनी एक्टिविटी हो रही है, सनलाइट एक्सपोजर नहीं, विटामिन डी कम हो रहा है, तो नेचुरली जो आर्थोपेडिक रिलेटेड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, मोर सो ड्यूरिंग लॉकडाउन टाइम, ड्यूरिंग क्वारंटाइन टाइम, ड्यूरिंग कोविड टाइम, बिकॉज बाहर नहीं जाना होता तो आपको ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है। उसमें मैं बताना चाहूंगा, एक अपना हाइड्रेशन ठीक रखें, बैलेंस डाइट रखें, एक्सेसिव फैट, एक्सेसिव स्मोक अल्कोहल वो यूज ना करें, प्लस फ्रीक्वेंट सनलाइट एक्सपोजर अपने गार्डन में, वॉक फ्रीक्वेंटली सुबह शाम, लाइट वॉक, बेशक बड़ा ज्यादा वॉक भी ना करें, इवन ड्यूरिंग अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं तो पेशेंट को ज्यादा ऑक्सीजन सेचुरेशन का इश्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो माइल्ड वॉक जरूरी है जितना लिमिटेड। ऑफ कोर्स अगर सिम्टम ज्यादा है और सेचुरेशन का इश्यू है तो फिर ऑब्वियसली रेस्ट करना है। तो इन दिनों में ताकि ज्यादा प्रॉब्लम ये ना पड़े बढ़े, मसल कमजोर ना हो, कमर दर्द जॉइंट की प्रॉब्लम ज्यादा ना हो बैठे बैठे, इसलिए बेटर है कि एक अपना सेट रूटीन रखें, इवन इफ आप घरों में हो। दैट डज नॉट मीन कि आपने एक्सेसिव स्लीप करनी है। अगर आपका एक पर्टिकुलर टाइम है जागने का तो उस टाइम पे जागना है, आप पर्टिकुलर टाइम पे ब्रेकफास्ट लेना है, आपने चेंज भी करना है, उसके बाद आपने एक एक्सरसाइज करनी है, बाकी छोटा मोटा काम जो अपना ऑफिस का या वर्क फ्रॉम होम वो करना है, रूटीन घर में भी बना के रखनी है ताकि आपकी बॉडी फिजियोलॉजिकली उसी शेप में रहे जिस शेप में पहले थी। जी इस समय लोगों को काफी ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है। हर टाइम पे डॉक्टर लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप लोगों को इन सब चीजों का ध्यान रखना है, आपको ये सब प्रिकॉशंस लेने हैं, लेकिन स्टिल देखा जाता है कुछ लोग इस चीज को लेके काफी ज्यादा केयरलेस है। उन लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? उनके लिए ये मैसेज है, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। उनके लिए मैसेज ये है कि लाइफ एक ही बार आती है, बार बार नहीं आती। अनफॉर्चुनेटली अगर लाइफ इसमें ज्यादा खतरों से खेलने का शौक न रखे, ये इतनी लाइट प्रॉब्लम नहीं है, आपको खुद आइडिया है इस चीज का। साल डेढ़ साल, 1.5 साल हो गए, ऑलमोस्ट होल वर्ल्ड जो है वो स्टॉप हो रखी है, जहां ऐसा लगता था किसी टाइम में कि 1 सेकंड के लिए स्टॉप होना भी इम्पॉसिबल है। तो दैट मीन द सिवियरिटी ऑफ सिचुएशन बहुत ज्यादा है। आपने खुद देखा होगा स्टार्ट में इटली, स्पेन, अमेरिका, यूरोप, हॉस्पिटल्स कोलैप्स हुए हैं, वर्ल्ड लाइक सिस्टम पूरा कोलैप्स हुआ है, ट्रैफिक नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, लोगों को इकोनॉमिकल इफेक्ट हुए हैं, सिग्निफिकेंट हुए हैं, उसके बावजूद लोगों ने प्रिकॉशन ली है और फॉर्चुनेटली बचाव हुआ है जितना हो सकता था। इसलिए इस चीज को पहली बात सबसे ज्यादा है कि इसकी सेंसिटिविटी रखें, सिवियरिटी को समझें कि ये प्रॉब्लम बिगर देन एक्सपेक्टेड है। दूसरा, ये ना सोचे कि मेरे को शायद नहीं होगा या फॉर दैट मैटर मेरे को होगा तो ऐसे ही निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं है। किसको कैसे रिएक्ट करेगा एब्सोल्युटली किसी को पता नहीं। आजकल आपने देखा कोई यंग लोगों में भी डेथ शुरू हो गई है, काफी ज्यादा हुई है इस खास का सेकेंड वेव में। तो इसलिए एक ही तरीका है कि इससे डरें, प्रिकॉशन लें। उसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव थिंकिंग शुरू है, आपने पॉजिटिव रहना है, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना है, बट प्रिकॉशन जेन्युइन लेनी है। जहां मास्क नहीं है वहां घर से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एब्सोल्युटली जरूरी, हाथ की सफाई और वैक्सीन मस्ट है। जी मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि जैसे मास्क पहनना काफी ज्यादा जरूरी है, हम बाहर निकलते हैं, लोगों में बैठते हैं, मास्क जरूरी है, लेकिन मास्क के कई बार देखा जाता है कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो लोगों में ये इस चीज का बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि हमें किस समय मास्क पहनना है और किस समय उतारना है, क्योंकि समटाइम्स मास्क की वजह से भी हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसमें ये बताना चाहूंगा, जैसे आप अकेले रूम में बैठे हो तो आप घर में हो जिनके साथ ऑलरेडी हो तो मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, तो आप गाड़ी में भी अगर अकेले ट्रेवल कर रहे हो तो नहीं जरूर। जैसे ही आप किसी के कांटेक्ट में आते हो, गाड़ी का शीशा नीचे करते हो, किसी से बात करते हो, तो आपने मास्क जरूरी पहनना है। जब भी आप किसी के कांटेक्ट में आते हो, कोई भी बाहर से आता है, तो आपने मास्क पहनना है। ये उसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे आपने मास्क पहन के रखना है, गाड़ी का शीशा बंद है और आपने मास्क लगाया हुआ है, फॉर दैट मैटर रूम में आप काफी देर के लिए अकेले बैठे हो, कोई विजिटर नहीं आया, कोई कुछ नहीं, तो आप मास्क लगा के बैठे हो, वेंटिलेशन कम है, ऑन टॉप ऑफ दैट मैं रादर कहूंगा कि रूम की वेंटिलेशन मैक्सिमम रखें जितनी भी हो उससे भी, और सर्कुलेशन ऑफ एयर जो ज्यादा होती है और चांसेस ऑफ वायरल लोड कम होता है। जी जी, एक प्रश्न हमारे पास आया, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लोगों का कहना है
केसेस कहीं ना कहीं कम होते नजर आ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस कोविड-19 के, लेकिन डेथ रेट जो है वो क्यों आखिरकार बढ़ता जा रहा है? क्या लोग, वो जिनकी डेथ हो रही है, क्या उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है या कोई और वजह पाई जा रही है? उसके दो रीजन है। अभी जैसे नंबर ऑफ केसेस फॉर्चुनेटली थोड़ा सा ड्रॉप होने शुरू हुए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो एडमिटेड पेशेंट है ऑलरेडी वो पहले से एडमिटेड पेशेंट है, और बिकॉज एवरीडे हालांकि केसेस कम आ रहे हैं बट वो ऐड भी हो रहे हैं उसी स्ट्रेंथ में, क्योंकि कोविड-19 से रिकवरी में अच्छा खासा टाइम भी लगता है। जब एक बार अनफॉर्चुनेटली केस जो थोड़ा सा खराब हो जाए, जब हॉस्पिटल तक पहुंचे, तो फिर नॉर्मली उतना टाइम नहीं लगता जितना अदरवाइज एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम्स वाले को लगते हैं फॉर रिकवरी। सो इसलिए डेथ रेट तो अभी कुछ दिन के लिए मोर और लेस बढ़ेंगी या मतलब वहां ही रहेंगी, या आस्ते आस्ते ग्रेजुअल फर्क पड़ेगा। अगर केसेस कम हुए तो विच इज गुड न्यूज, हमें इस चीज की होप रखनी चाहिए कि फर्दर केसेस कम हो, बट साइमेंटली हमें सावधान हमेशा रहना है, इस चीज को लाइटली नहीं लेना। जब तक ये चीज का पूरा मेजोरिटी लोग वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते, काफी हद तक वर्ल्ड में कंट्रोल नहीं होता, तब तक ये खतरा बना हुआ। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर आपके टाइम के लिए। होप जो लोग हमें देख रहे हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स है, क्वेरीज है, उन लोगों कहीं ना कहीं इस चीज़ का हिंट मिला हो कि आपको वैक्सीन लगाने में कितने इंपॉर्टेंट है, आपको जो डूज एंड डोंट्स रहते हैं उन सब चीज़ों को फॉलो करना भी कितना ज़रूरी है। तो सर, जाते जाते मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि इस समय जो है डॉक्टर्स जो हैं अपने 24/7 सर्व कर रहे हैं, डॉक्टर हमेशा जो है पेशेंट्स की मदद के लिए आगे रहते हैं, तो इस कोविड-19 पैंडेमिक के मुश्किल समय पे डॉक्टर फ्रेटर्निटी के लिए एक क्या मैसेज रहेगा? डॉक्टर्स के लिए पर्टिकुलरली कि ये हमारा टेस्टिंग टाइम है, हम इस प्रोफेशन में जब आए थे ऑब्वियसली तो कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन की साइड इफेक्ट ये हैं, और खासकर जैसे डिजास्टर कोई होता है, चाहे वार सिचुएशन होती है, एक्सीडेंट्स होते हैं, और खासकर एपिडेमिक या पेंडेमिक होते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंटली स्ट्रांग रहना है, कोशिश मैक्सिमम करनी है कि जो जो रोल जहां जहां है उसको पॉजिटिवली निभाना है, एक दूसरे को कोऑपरेट करना है मैक्सिमम जितना हो सके, पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है, जिस पेशेंट की जिस तरीके से हेल्प हो सके, चाहे टेलीफोनिकली चाहे अदरवाइज लाइव अदर जो भी है, उस सिचुएशन को अपने आप को शाय अवे नहीं करना, बट साइमेंटली मैक्सिमम प्रोटेक्शन रखनी है। अगर आप खुद सेफ हो तो तभी आप आगे भी जाओगे। साइमेंटली मैं पब्लिक के लिए एक छोटा सा अपील करना चाहता हूँ कि इस वक्त ये टाइम सोसाइटी एज ए होल रिएक्ट करने का है, ये एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करने का। इसमें चाहे वो मीडिया का रोल है, आपने आपने पॉजिटिविटी प्ले करना है, सोसाइटी एज ए होल पॉजिटिव रोल करना है, एडमिनिस्ट्रेशन मैक्सिमम एफर्ट कर रही है, गवर्नमेंट, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल और जितने भी अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं करने हैं, आपने समझना है इस चीज को कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। इवन इन द बेस्ट ऑफ द सेंटर चाहे लाइक डेवलप्ड कंट्रीज में भी सिस्टम कोलैप्स हुआ है, हमारे यहाँ डेवलपिंग वर्ल्ड थी उसने फिर भी बड़ा अच्छा कोप किया है, सिस्टम के साथ आस्ता आस्ता ज्यादा स्टेप अप किया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सोसाइटी को अपना रोल प्रिवेंशन रोकना चाहिए, वैक्सीन उनको लेना है और डिले नहीं करना है ट्रीटमेंट लेने में, और जितना जल्दी से जल्दी पहुंच सके, जैसे पेशेंट को डिटोरिएट हो तो जल्दी हेल्प लेनी है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ कारण देखा गया है डेथ्स का डिले रिपोर्टिंग है, और पेशेंट के अटेंडेंट को एक दो अटेंडेंट जो है बड़े अवेयर रहे, जिनको मैक्सिमम एफर्ट्स लगा के जो जो भी ट्रीटमेंट है वो एग्जीक्यूट में हेल्प करना है, ये नहीं कि सारा आपने भरोसा रखना है कि भाई सिस्टम पे ही, बिकॉज सिस्टम बहुत ज्यादा कर रहा है ऑलरेडी। जी तो अब इस सर, मैं दुआ इस आपसे अपील के एक साथ दुआ पूछना करता हूँ। जी चाहती हूँ। हमारे साथ वरुण शर्मा जी जुड़े हैं, वो पूछ रहे हैं हाउ लॉन्ग हैव कोरोना वायरस एग्जिस्टेड, कितने हाउ लंबे लॉन्ग समय तक ये जो है कोविड रहता है? रहता है इन द बॉडी में रहता है या फॉर दैट मैटर, ये सवाल थोड़ा सा बॉडी में तो 2-3 ये हफ्ते रहता है। जी स्पेसिफिकली उन्होंने नहीं बताया है, उनका यही क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग हैव कोरोना वायरस एग्जिस्टेड। ये तो अगर इस डायरेक्ट क्वेश्चन इंटरप्रेट करूं तो ये तो 1.5 साल हुआ है कि कोरोना वायरस आया है, ठीक, बॉडी में कितनी एज देर तक ए रहता है? अगर वर्ल्ड कई में बार ये भी कहा बॉडी। जाता है कि हमारे सराउंडिंग्स में ड्रॉपलेट्स होते हैं, तो वहां तक वो ड्रॉपलेट्स में कोविड की इन्फेक्शन कितनी देर तक एग्जिस्ट करती है? ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसका बड़ा स्पेसिफिक आंसर नहीं दे पाऊंगा मैं, बिकॉज आई डोंट वांट टू मिसलीड पीपल, बिकॉज इसकी ओके वेरिएशन हर दिन चेंज हो रही है गाइडलाइन, जनरली बॉडी में 7 से 10 7 दिन से 14 दिन तक रहता है, बट अगेन वेरी करता है, तो आई वॉन्ट बी वेरी स्पेसिफिक बिकॉज यहाँ से मैं भी कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ। जी थैंक यू।
ओके, थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए। होप हमारे दर्शकों ने हमारे लाइव सेशन को जो है वो समझा होगा, जो उनकी प्रॉब्लम्स होंगी उन लोगों ने जरूर समझी होंगी। तो आप लोगों से यही कहना है, हर बार यही कहते हैं कि आप लोग प्रॉपर सारे प्रिकॉशंस ले, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करें, ताकि डॉक्टर्स को भी कहीं ना कहीं ईजी हो जाए। अगर यहाँ पे फॉर्चुनेटली केसेस कम हो रहे हैं, तो हमें जितनी खुशी है, हमें जितनी राहत है, उससे ज़्यादा डॉक्टर्स को है, क्योंकि इस समय डॉक्टर्स हमेशा लोगों को अवेयर करते नजर आ रहे हैं कि आप लोग अपना ध्यान रखें, चाहे वो वैक्सीनेशन के बारे में हो, चाहे आपको सिम्टम्स आते हैं, जल्द से जल्द अपने आप को रिपोर्ट कराएं इस बारे में हो। तो आप लोगों को अगर हल्के भी सिम्टम्स दिखते हैं, आपको फीवर भी होता है, तो सबसे पहले अपना टेस्ट कराएं और उसके बाद आप डॉक्टर को रिपोर्ट करें कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ताकि अगर आप अवेयरनेस दिखाएंगे, आपके आसपास आपके घर में जितने भी लोग हैं वो शायद सुरक्षित हो सकते हैं आपके एक ही अवेयरनेस की वजह से, आपके एक कदम उठाने की वजह से। तो आप लोग अगर घरों से बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर पहने। तो हमारा यही मैसेज रहेगा, आप लोग सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें, घर से बाहर निकले, सारे प्रोटोकॉल्स जो हैं फॉलो करें। एक बार फिर से थैंक यू सो मच सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक्स अ लॉट, शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू।